वीडियो के स्टार्टिंग पे हम एक जगह को दिखाया था जो तियानक्वांग कॉन्टिनेंट होता है, वो क्राइंग फॉरबिडन ग्राउंड होता है। और वहीं पे बहुत सारे लोग खड़ा रहते हैं अपना वेपन लेके, और उस माउंटेन के टॉप पे एक बंदा खड़ा रहता है। वहीं पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और उसके साथ साथ एक बुढ़े को और एक लड़की को दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि तू डीमन, तेरे जिंदगी भर तू सभी को मारते आया है, बोली करते आया है, आज तुझे कैसा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है? उनमें से वो लड़की कह रही होती है कि डीमन, तू मेरे सिस्टर को सीड्यूस किया है और उसके लाइफ को बर्बाद कर चुका है, मैं तुझे आज हत्या कर दूंगा। और वो बुड्ढा कह रहा होता है कि मैंने तुझे पूरे 3 साल तक पीछा किया है और आज जाके मैं तुझे पकड़ रहा है, मैं ये आज मेरे डिसाइपल का मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर हमें फाइनली वही डीमन को दिखाया जाता है, यानी वो विलेन को। टोटली यार विलेन लुक तो बहुत ही खतरनाक होता है, ये आई एम द फेटेड विलेन के गुचेंग के जैसा लग रहा होता है, एकदम बहुत ही बैडस। पर तभी अचानक से उस डीमन के पीछे से कोई डीमन एक चू करते हुए पुकारता है उसको, और वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि एक लड़की रहती है और वो कह रहा होता है कि तुम इस हालत में गिरने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है क्या, रिग्रेट हो रहा है? हमें उस लड़की की आइडेंटिटी को दिखाया जाता है, जो नाम होता है क्यूमी, और वो ताइजू होलीलैंड का मास्टर होता है। और इधर उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डीमन एक चू बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो फिर वो शांत होता है और वो कह रहा होता है कि रिग्रेट, मैं चूजियन, मैं 100 सालों से भी कम कल्टिवेट कर रहा हूँ और मेरे पूरे ज़िंदगी भर में फाइट कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा सबसे पावरफुल अभी भी कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं इनविजिबल हूँ, मुझे अभी तक कोई भी हरा नहीं पाया है, पर मेरा एक ही रिग्रेट है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और वो किसी को मर्सी नहीं दिखाता। डीमन एक चू की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि अगर तुम्हें 1000 सालों तक हम छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज तुम्हें हत्या करना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो लड़की एक स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि हमें क्रूयल होने के लिए ब्लेम मत करना, और वो सभी एक साथ अटैक कर देता है। 1 vs 5 मानना पड़ेगा भाई, डीमन एक चू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अचानक से वो डीमन एक चू अपने एक हाथ से हैंड साइन करने लगता है, यानी वो नारुतो सीरीज के जैसा करने के बाद वो अपने चेस्ट के ऊपर पंच करता है और अचानक से उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ नो, वो अपना सबसे बैकअप प्लान यूज़ कर रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उसको रोको। और वो सभी एक साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करता है। उन पांचों के एक साथ अटैक के वजह से डीमन एक चू को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और तभी वो सभी एक साथ डीमन एक चू के ऊपर अटैक कर देता है। उस सभी के अटैक के वजह से डीमन एक चू बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और वो फिर से अपने हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो सभी को कहता है कि जाके पूछो इमोर्टल एम्परर को, उसकी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट है कि नहीं। वो ज़रूर कहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट है, पर मेरे ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर डीमन एक चू अपने शरीर को खुद अपने ऊपर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसके साथ साथ जितने सारे 4 or 5 बंदे थे वो सभी घायल हो जाता है और वो सभी चिल्लाने लगता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो सभी ज़मीन पे खड़ा रहता है, बट डीमन एक चू पूरा गायब हो चुका होता है। और ज़मीन पे हमें डीमन एक चू के टूटा हुआ तलवार को गिरा हुआ दिखाया जाता है और उसका सोल इस दुनिया छोड़ के जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अंत में मैं हार चुका हूँ। फिर फाइट खत्म होने के बाद हमें ज़मीन पे पड़े वही 2 लड़का और एक लड़की को दिखाया था। वहीं भी वो लड़की कह रही होती है कि डीमन एक चू ने खुद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया है। उनमें से वही बुड्ढा कह रहा था कि छह, वो अगर अच्छा इंसान होता, ह्यूमनिटी के लिए लड़ता और मॉन्स्टर को हराता तो वो यही ह्यूमनिटी का सबसे फेमस और पावरफुल वॉरियर बनता। और वो सभी कह रहा था कि कितना बुरी बात है, कितना बुरी बात है। और वो सभी वो बैटलफील्ड छोड़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन सभी के पीछे एक ब्लैक स्मोक निकलता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम सभी ये सोचते हो कि मैं डीमन चू मर चुका हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइजू होलीलैंड को दिखाया जाता है। और इधर ये ताइजू होलीलैंड वही जगह है, वो लड़की पहले हमें दिखाया गया था ना, क्यूमिंग को, वही लड़की जो व्हाइट हेयर वाली, वो इस पीक का मास्टर। 1 महीने के बाद इंजू माउंटेन को दिखाया था। अचानक से एक घर में एक लाल रंग का रोशनी चमकता है और वहीं पे हमें अचानक से एक लड़के को बिस्तर पे सोया दिखाया जाता है। फिर वो आँख खुलता है और वो एक केयरलेस स्माइल देते हुए कह रहा था कि हे, मैं डीमन एक चू वापस आ चुका हूँ। डीमन एक चू अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं इस दुनिया में आने से पहले मुझे जब वो वॉरियर ने हत्या कर दिया था तो मैं एक मॉडर्न दुनिया में ट्रांसफ़र हो गया था और उस दुनिया में मैंने बहुत सारे कुछ सीखा था, यूनिवर्सिटी में जाके बहुत सारे कुछ सीखा। फिर मैं उस दुनिया में, मेरा मौत होने के बाद मैं फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका हूँ और मेरे पास अभी यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए 3000 से भी ज़्यादा बैकअप प्लान है और 1200 से भी ज़्यादा मेथड मैंने इकट्ठा किया है। और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या खतरनाक मेरा प्रिपरेशन है।
और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा होता है कि मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, और वैसे क्या यह ताइजो होली ग्राउंड है? और फिर वो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडर्न दुनिया में होस्ट होने के बाद मैं इस ताइजो होली लैंड के अंदर आ चुका हूँ। और तभी अचानक से डेंग करते हुए एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट रिवाइवल डिटेक्टेड, होस्ट रिवाइवल हो चुका है, सिस्टम फंक्शन अपडेट है, सिस्टम फंक्शन अपडेट हो रहा है। चूजियन के आंखों के सामने सिस्टम का एक पैनल ओपन होता है और वहाँ पे लिखा जा रहा होता है कि डेस्टिनी विलेन, अगर आप जो भी एविल काम करेंगे उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा और आपका शरीर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और आपका कल्टिवेशन भी हाई होता जाएगा। और वैसे होस्ट ऑलरेडी एक बार मर चुका है, तो होस्ट ने डिसाइड किया कि एविल काम करने से पहले जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता है तो वो अपना लो प्रोफाइल रखेगा। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने पिछले ज़िंदगी में विलेन होने का चूज़ किया था और मैंने बहुत सारे एविल चीज़ किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पर अगर कोई मुझे नफरत करता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो इस ज़िंदगी में लो प्रोफाइल रखते हैं और धीरे धीरे अपना एविल कम को करते हैं, इससे मुझे नफरत भी नहीं मिलेगा और मुझे कल्टीवेशन भी बहुत ही हाई मिलेगा। तभी अचानक से डेमोनिक चू एक टेबल हंस जाता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं सीक्रेटली अपना खुद को कल्टीवेशन को बढ़ाऊँगा और पावरफुल बनूँगा और अचानक से एक दिन दुनिया के सामने मेरा पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाऊँगा, ये क्या बहुत ही अच्छा नहीं है? और वैसे भी मैं अगर खुद को एक होली सन बनाता हूँ, पावरफुल बनाता हूँ, और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि बहुत सारे लड़कियाँ उसके बिस्तर पे सोया रहता है और वो अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा होता है और वो मनी मनी में हंसता है खिक 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 करते हुए। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद हीरो को कोई भी मतलब शॉक क्यों नहीं हुआ, वो चौका क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हीरो ऑलरेडी मॉडर्न दुनिया में एक बार ट्रांसफर हो चुका है, तो वहाँ पर जाके वो बहुत सारे कुछ रिसर्च किया है और ये भी हो सकता है कि वो मतलब जो सिस्टम है वो मॉडर्न दुनिया के साथ ही है, मतलब मॉडर्न दुनिया में जब गया था उस दुनिया में साथ ही उस वो सिस्टम है। और दूसरा बात ये है कि ये जो हीरो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है इस सीरीज़ पे और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ये जो सीरीज़ है ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अदर सीरीज़ में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तो ये क्या है सिस्टम, ये क्या चीज़ है, दिमाग का दही कर देता है। मतलब सिस्टम को समझना मतलब समझाना पड़ता है कि ये क्या है, AI है, नेक्स्ट जनरेशन 13 जनरेशन का ये है वो है, मतलब माँ मैंने कर देता है। पर इस सीरीज़ में ना हीरो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस हीरो को, क्योंकि वो उसको कुछ समझाने का ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझ जाता है और वो इतना ज़्यादा बोल्ड है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है? देखते रहना, उसके मास्टर के साथ शुरू कर देगा बात, देख लेना। फिर डेमोनिक चू अपने सिस्टम से हिडन विलन ऑप्शन को चूज़ करता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डेंग आपने चूज़ किया है कि लोडिंग होता है। फिर लोडिंग कंप्लीट हो जाता है और तभी डेमोनिक चू कह रहा था कि सिस्टम मेरा प्रोफाइल बोर्ड को ओपन करो। फिर डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि चलो देखते हैं मैं अब किसके सर के अंदर ट्रांसफर हुआ हूँ, और फिर हमें दिखाया था कि सिस्टम के नोटिफिकेशन को। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि यिंजू माउंटेन क्लोज डिसाइपल नॉर्मल टैलेंट है और लाख बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। और वो मनी और वो कह रहा था कि मैं चिकन से भी कमज़ोर हूँ। पर ये सब स्टेटस देने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो मनी मन में कह रहा होता कि मैं इसके शरीर से आने से पहले ये बंदा क्या किया था उसके ज़िंदगी में। सिस्टम इस शरीर के ओरिजिनल ओनर के बारे में बताने लगता है कि 10 दिन पहले ये टूलमैन यानी जो डेमोनिक चू इस शरीर के अंदर है उस शरीर के ओनर को टूलमैन कह रहा होता है कि टूलमैन एक मतलब ओमेन के जलसी की वजह से एक बंदे के साथ फाइट किया था और उस फाइट पे एक हिट पे ही वो ख़त्म हो गया और उसका सारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो गया और वो मर गया। और ये देखने के बाद ये सब बातें देखने के बाद वो डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया होता है और वो कह रहा था कि कितना गरीब बंदा है, कितना बुरा बात है। फिर डेमोनिक चू थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि वैसे तुम मेरा टूल गाय हो और मैं तुम्हारे शरीर को कब्जा किया हूँ, इसलिए तुम्हारा जो रिवेंज है वो मैं ज़रूर लूँगा। और फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है चलो कल्टिवेट करते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि एक घंटा बीत गया होता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शौक हो गया था और वो मन में कह रहा होता कि ये शरीर इतना ज़्यादा यूजलेस है, मुझे नहीं पता था कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं एक घंटे से कल्टिवेट कर रहा हूँ कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। डेमोनिक चू एक डेविल हंसी हंसता है और वो कह रहा था कि पर मेरे पास बैकअप प्लान रेडी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बाहर के सीन को और वहीं पे बहुत सारे लोगों को दिखाया था जो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। उनमें से कोई बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुना है क्या 3 दिन पहले माउंटेन मास्टर ने डेमोनिक चू को मौत के घाट उतरने के बाद वापस आ चुका है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डेमोनिक चू मर चुका है।
और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को वो लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि तीन दिन क्या हो सकता है। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, ये जो माउंटेन मास्टर जो यूनजू या फिर यूनजू जो भी था, वो वाइट हेयर वाली लड़की, उसको मतलब डिमोनिक चू को मारने के बाद इस सेट के अंदर वापस आ चुका है। पर उसको मतलब डिमोनिक चू को मरे हुए बहुत दिन हो चुका है, ठीक है, ये टाइम कैलकुलेशन कर लो। और इधर डिमोनिक चू जब मॉडर्न दुनिया में गया था, मॉडर्न दुनिया के साथ और कल्टीवेशन दुनिया के साथ जो टाइम का डिमेंशन का जो रोल होता है, मतलब जो समय होता है वो अलग होता है, ठीक है। मतलब मॉडर्न दुनिया में अलग समय होता है, इस दुनिया में अलग समय होता है, तो इस तरह से होता है। मॉडर्न दुनिया में एक साल यानी इस साल मतलब कल्टीवेशन की दुनिया में 5 साल या फिर 10 साल के बराबर होता है, यही सब कुछ है, समझ लो। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ, डिमोनिक चू तो इनविजिबल था, पावरफुल बंदा था, पर वो अंत में एक लोली सेंट निकला, हमारे हाईली सेंट उसको आसानी से मौत का घाट उतर दिया। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ, हमारे सैन्य बहुत ही अच्छा काम किया, और वो डिमोनिक चू ने जितना ज़्यादा एविल काम किया था उसको तो ये मिलना ही था। और ये सब बातें वो डिमोनिक चू पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है, और वो मनी मन में उस सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डिमोनिक चू अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारे साथ ही है। फिर डिमोनिक चू अपने पेड़ के पीछे से बाहर निकल के आता है उस सभी के सामने, और वो करते हुए कहता है, और उसको सामने देख के वो सभी जितने सारे बंदे थे वो सभी शौक हो गया होता है, और वो कह रहा था, ग्रेट करते हुए, सीनियर चू आप यहाँ पे आए हैं? और वो सभी ग्रेट करते हुए कह रहा था कि आप क्या हिल हो चुका है उसकी ये बातें सुनने के बाद, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो अपना गाना गाते हुए चले इधर डिमोनिक चू जाने के बाद उसके पीछे जितने सारे लोग थे वो अपना अपने बातें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे लगता है कि सीनियर चू चूजियन जो अपना नाम है वो डिमोनिक चू के नाम से हिसाब से रखा है। और ये बातें सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डिमोनिक चू के साथ सीनियर चू का कोई कनेक्शन है? ये सुनने के बाद तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे तू ज़्यादा ही सोच रहा होता है, ये कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर ये कनेक्शन होता तो आसानी से उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उनमें से चौथा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ तूने सही कहा, वो सभी एक साथ कहने लगते हैं हाँ सही कहा। सिंस शिफ्ट होता है, एक बहुत ही सुंदर सी जगह को दिखाया था, वहीं पे चूजियन यानी डिमोनिक चू पहुंच गया होता है, और वो दरवाजे के सामने आके कह रहा होता है कि मास्टर आपके डिसाई पर आपसे मिलना चाहता है। फिर हमें दिखाया था कि चूजियन यानी डिमोनिक चू दरवाजे के अंदर आ गया होता है और सामने बैठा रहता है ताइजू होलीलैंड का मास्टर यानी वही व्हाइट हेयर वाली लड़की क्यूमिंग, और वो कह रहा होता है कि चूजियन को सामने देख के कि चूजियन 10 दिन पहले तुमने फाइट किया था और अब तुम मेरे पास आए हो कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू उसके मास्टर के सामने घुटने टेक देता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर मेरी मदद कीजिए। और ये बातें सुनने के बाद वो क्यूमिंग एकदम कोल्ड आवाज़ में कह रहा होता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लो है फिर भी तुम फाइट कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर रहा हूँ, तूम अब यहाँ से निकल जाओ। और इधर उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू अपनी जोर आवाज़ में कह रहा होता है कि मास्टर क्या आपको सच में नहीं पता कि मेरा कल्टीवेशन लो क्यों है? क्योंकि मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मुझे कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलता है, जो भी रिसोर्सेज होता है वो सभी आप मेरे जूनियर को दे देते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे इस तरह से स्ट्रांग बन सकता हूँ, मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ अगर इस तरह से चलता रहा तो? चूजियन की ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हारा तो कुछ भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन करने का, और ये तुम्हारी कल्टीवेशन का जो स्पीड है इससे तुम बेहतर होगा कि तुम कल्टीवेशन करना बंद कर दो, और तुम्हारी ये टैलेंट की वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो, बकवास बातें करना बंद करो नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। डिमोनिक चू उसके मास्टर की बातें सुनने के बाद हंसता है, आप मुझे रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं डिमोनिक चू का नाम मेरे नाम से शेयर किया हूँ इसलिए, है ना, और आप डिमोनिक चू के ऊपर जितना ज़्यादा गुस्सा है वो मेरे ऊपर निकालते हैं, क्या ये सही है? चूजियन के मास्टर यानी डिमोनिक चू के मास्टर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी दोष नहीं दिया है और मैं कभी तुम्हारे ऊपर इस कारण के लिए गुस्सा नहीं हुआ है, और वैसे तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन तैयार करता हूँ और फिर वो तुम कल्टीवेट कर सकते हो। उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू एक केयरलेस और एक डेविल हंसी हंसता है और वो कह रहा था कि नहीं 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 मास्टर मुझे अभी यहीं पे मदद करेगा, और गाइस यहीं पे हीरो का बोल्ट ने शुरू होने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद उसके मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह रहा था कि तुम्हारा बातों का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? डिमोनिक चू कह रहा था कि मैंने सुना है कि मास्टर आपने हेवनली फिगरस कॉन्शियस बॉडी प्रोसेस करके रखा है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर के एकदम करीब आता है और वो कह रहा था कि मैं अगर आपके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरा शरीर हिल भी नहीं होगा और वैसे भी मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो जाता है। इससे कहता है कैरेक्टर,
अगर इस तरह का कैरेक्टर मिल जाता है ना तो यार सीरीज पढ़ने में सुनने में मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरह के बोल्डनेस की ज़रूरत है। उसके मास्टर कहता है कि तुमने क्या कहा, फिर से कहना। या पे डिमेक चू कहता है मैं कह रहा हूँ कि मास्टर मेरे साथ ड्यूअल कल्टिवेशन कीजिए। और द चूजियन यानी डिमेक चू के मास्टर क्यूमिंग तो टोटली मतलब शर्मा क्या होता है, ब्लासिंग करने लगता है। और इधर डिमोनिक चुकी है बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम नमकराम डिसाइफेल। गैस मैं आपसे को पता तो नमकराम यानी ये होता है कि आप उसी के घर में खाते हो पीते हो और उसको ही बदनाम करते हो और धोखा देते हो, ये सब कुछ यही होता है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि तुम नमकराम डिसाइफेल तुम। तो गैस देखो मैं आप सभी को बताऊंगा ये दूसरी बात, जब मैं नमकराम वो कहेगा उसका मास्टर तो मैं बता दूंगा कि तुम बुरी डिसाइपल, तो बुरा डिसाइपल तो ये कहूंगा, ठीक है। तो वो कह रहा होता कि बुरा डिसाइपल तुम क्या मौत के तलाश पे हो, तुम मेरे जगह पे रह के मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। चूजियन का मास्टर अचानक से स्पेल कास्ट करता है और उसके सामने एक स्पिरिचुअल तलवार आ जाता है और वो तलवार पॉइंट करते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे सारे टेंडन को काट दूंगा और तुम्हें मेरे इस माउंटेन के बाहर कर निकालवा दूंगा। और आप सभी समझ ही लो वो टेंडन कौन सा बातें कर रहा है। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू एक स्पेल कास्ट करता है जिसके वजह से उसके मास्टर के जो स्पिरिचुअल तलवार था वो टूट जाता है और उसके मास्टर जमीन पे नीचे उतर आता है, उसका पैर कांप रहा होता है और वो बिस्तर पे गिर जाता है। और वो मन मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं मेरा कल्टीवेशन को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। डिमोनिक चू उसके मास्टर के करीब आते हुए कह रहा था कि मास्टर प्लीज़। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली मतलब ब्लासिंग करने लगता है, शॉक हो गया होता है, मतलब बहुत सारे इमोशन एक साथ चल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्या कर रहे हो। और इधर डिमोनिक चू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर एक बार ये जो लेसन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना कैसा है आगे का एपिसोड, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टपा टप होने वाला है, ठीक है, मतलब प्यार भरी बातें होने वाला है, तो समझ जाओ यार। और मैं बहुत जल्द एपिसोड 2 लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड भी। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा है कि यार एपिसोड कहाँ है, नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार 3-4 दिन हो गया, 1 हफ्ता होने वाला है शायद, 1 KB व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्या करूँ यार, सीरीज पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ। वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ आ जाएगा, ठीक है।